इधर मुख्यमंत्री जी की जो भाषा बदली है, पता नहीं मुख्यमंत्री क्यों भाषा बदल रहे हैं, और मुझे लगता है कि जो हवा चल रही है पहले चरण में, यहां के लोगों ने ऐसी हवा चलाई है कि भारतीय जनता पार्टी और खासकर मुख्यमंत्री जी, उनको समझ में नहीं आ रहा कि क्या कहा जाए। वो हमारे मुख्यमंत्री हैं, वो कोई कंप्रेसर थोड़ी है कि हमें ठंडा कर देंगे। हमारे बहुत सारे लोग हैं, जानते होंगे, फ्रिज में ठंडी चीज रखने के लिए कंप्रेसर होता है, कंप्रेसर खराब हो जाए तो क्या मुख्यमंत्री जी हमारे कंप्रेसर हैं? और जो लोग कह रहे हैं गर्मी की बात कर रहे हैं, हम उन्हें भरोसा दिलाना चाहते हैं कि गठबंधन की सरकार बनेगी तो भर्ती दी जाएगी, भर्ती खोली जाएगी, गर्मी नहीं भर्ती। नौजवानों को भर्ती के लिए उन्हें देने का काम, उनको नौकरी देने का काम गठबंधन में होगा। और जिस तरीके से सरकार ने नौकरियां छीनी हैं, रोजगार छीने हैं, इस बार हर यूथ अपने बूथ पर भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेगा। हमारे किसान दुखी हैं कि इस बजट में भी उनके साथ धोखा हो गया। ये बजट तो ऐसा आया है कि गरीब को महसूस ही नहीं हो रहा कि कोई बजट आया है, और सरकार कह रही कि अमृत बजट है। अगर ये अमृत बजट है तो इससे पहले क्या सब जहर वाले बजट थे? अगर ये अमृत बजट है भारतीय जनता पार्टी का, तो पिछले जितने भी बजट थे वो जहर वाले बजट थे क्या? और सुना है कि डायमंड सस्ता हो जाएगा, तो देखो गरीबों का कितना ख्याल रखा है इन्होंने। भारतीय जनता पार्टी कहती इस बजट के बाद डायमंड सस्ता हो जाएगा, तो सोचो गरीब का कितना ख्याल रखा गया है। और जूते चप्पल सस्ते होने जा रहे हैं, ये देखो सरकार कितना ख्याल रख रही है। अपनी गलत नीतियों के कारण बड़े बड़े कारखाने बेच करके, बड़े बड़े उद्योग बेच करके, कोविड के समय न मदद कर करके सभी उद्योग कारखानों को चौपट कर दिया, तो लोग और नौजवानों के खासकर जूते चप्पल ही तो घिस रहे हैं अपने भाग्य को बनाने के लिए। ये सरकार किसानों की सरकार नहीं है। जहां आय दोगुनी की बात की, आज कमाई आधी हो गई है, और लगातार सरकार ने महंगाई बढ़ाई है। डीजल पेट्रोल की कीमत कहां पहुंच गई, और किसान को जब से सबसे ज्यादा जरूरत खाद की थी तो खाद नहीं दे पाई, किसी फसल की कीमत नहीं दे पाई सरकार। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आज वही 3 तारीख है, एक 3 तारीख ऐसी भी थी जिस दिन जीप से कुचल दिए गए थे लोग, किसान कुचल दिए गए थे, और अभी भी किसान भूले नहीं है वो। इसलिए मैं कह सकता हूं ये चुनाव किसानों के मान सम्मान का चुनाव भी है। इस बार जनता ने तय किया है भाईचारा बनाम भारतीय जनता पार्टी चुनाव है। लगातार हम लोग जगह जगह जा रहे हैं, जनता से अपील कर रहे हैं, और जो समर्थन मिल रहा है उस समर्थन से मैं कह सकता हूं सहयोग जो मिलने जा रहा है, इस बार ऐतिहासिक जीत आरएलडी और समाजवादी पार्टी के गठबंधन की होने जा रही है। इतना बहुमत, इतना समर्थन कभी नहीं दिखाई दिया होगा जितना इस बार दिखाई दे रहा है। इसलिए ये जाने वाले लोग हैं, नई सरकार आने वाली है। मैं भरोसा दिला सकता हूं कि जो घोषणाएं की हैं, जो संकल्प लिया है कि सरकार बनने के बाद घरेलू बिजली 300 यूनिट माफ होगी, बिल नहीं आएगा, साथ ही साथ सिंचाई मुफ्त होगी किसानों की, और बहुत पुरानी कर्मचारियों की मांग कि ओल्ड पेंशन बहाल हो, समाजवादी सरकार और आरएलडी और गठबंधन की सरकार बनने के बाद पुरानी पेंशन बहाल होगी, कर्मचारियों की मदद करने का काम करेंगे। जिस तरीके से समाजवादियों ने जो काम किए आज भी दिखाई दे रहे हैं, अगर सड़कों पर एम्बुलेंस है, कोविड में अगर किसी ने मदद की तो उस समय एम्बुलेंस सबसे आगे आई थी, जो उसके ड्राइवर थे उसको भी अपमानित करने का काम इस सरकार ने किया है। जो 100 नंबर 112 हो गई है
वो भी समाजवादी सरकार की देन है जो सड़कों पर दिखाई दे रही है। कोविड के समय पर जिन परिवारों में भी लैपटॉप पहुंचा होगा वो आज भी चल रहा होगा, आज भी खराब नहीं हुआ होगा। लेकिन ये सरकार जो दावा करती है कि लैपटॉप देंगे, पता नहीं बुलंदशहर में कितने बाबा योगी जी ने लैपटॉप भिजवाए होंगे, कितने स्मार्टफोन दिए होंगे, जब योगी जी खुद ही स्मार्टफोन नहीं चला पाते, किसी और से ट्वीट लिखवाते हैं, किसी और से पढ़वाते हैं, तो आपको हमको लगातार 4.5-5 साल टैबलेट देते रहे हो, पता नहीं कौन सी टैबलेट हमें और आपको देते रहे। इसलिए ये सरकार जाने वाली है। समाजवादियों ने जो जो अपने घोषणा पत्रों में लिखा था पहले वो भी पूरा करके दिखाया था। कम से कम समाजवादी पार्टी का ये जनता में भरोसा है कि अगर समाजवादी पार्टी जो बात कहती है वो करके जमीन पर दिखाती है। देखिए मुख्यमंत्री जी कुछ भी कह सकते हैं, जिनको भारतीय जनता पार्टी ने पैदल कर दिया, किसने नहीं देखा कि दिल्ली वाले चार पहिए की गाड़ी में जा रहे थे, उन्हें पैदल पैदल कर दिया था। और ये भारतीय जनता पार्टी के सदस्य नहीं है, टिकट मांग रहे थे। एक बात तो तय है, इस बार बाबा मुख्यमंत्री जी नहीं बनने जा रहे, उन्हें अपनी चिंता करनी चाहिए। हम दो नौजवान वो लोग हैं जिनको विरासत में किसानों की लड़ाई मिली है, हम लोग किसानों का संघर्ष कर रहे हैं। आप चौधरी चरण सिंह जी की विरासत को आगे बढ़ाना चाहते हैं, वो इसलिए कि किसान की अगर किसी ने लड़ाई सबसे पहले लड़ी तो चौधरी चरण सिंह जी ने। उन्हें आर्थिक रूप से कैसे मजबूत करें, और फिर हम समाजवादी लोग हैं, आप आरएलडी हैं, उन्हें दुख इसी बात का है कि दोनों साथ क्यों हैं, दोनों उनका सुपड़ा साफ कर रहे हैं। जिस इलाके से उन्हें बहुत घमंड था उस इलाके में इस बार भारतीय जनता पार्टी का सफाया होने जा रहा है। तो वो कोई कंप्रेसर है क्या? जैसे आप फ्रिज है घर में, कंप्रेसर खराब हो जाए तो गर्म हो जाएगा, कोई मतलब नहीं। तो क्या मुख्यमंत्री जी कंप्रेसर है? देखिए ये तीन आना का झूठ या दो आने का झूठ कहावत है, ये तो 3,00,000 करोड़ का झूठ बोल दिया। उत्तर प्रदेश में जो एमओयू साइन हुए थे वो कहीं इन्वेस्टमेंट नहीं आया। अगर बुलंदशहर में कोई बड़ा कारखाना लगा हो तो बताओ, हमारे जहां से मैं आ रहा हूं कहीं कारखाना नहीं लगा। और कोई इन्वेस्टमेंट हुआ तो बताए ना सरकार, कहां इन्वेस्टमेंट हुआ? वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में कितना बजट आया होगा बुलंदशहर में? अगर हो सकता है खुर्जा के लिए कुछ पैसा आया हो, लेकिन सरकार बताएगी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में कितना बजट दिया था आपने? एमएसएमई वाले रो रहे हैं, परेशान हो गए, कोविड के समय एमएसएमई बर्बाद हो गई इंडस्ट्री। आने वाले समय में भर्तियां और बड़े पैमाने पर होंगी, जो फौज की भर्ती थी रुकी पड़ी है बहुत वर्षों से नहीं हुई है, उसको भी आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और जितने भी रिक्त पद हैं सरकार में, लगभग 11 लाख रिक्त पद हैं सरकारी, वो खाली हैं, वो आखिरकार सरकार ने क्यों नहीं भरे? तो कहीं ना कहीं जितने भी सरकारी रिक्त पद हैं उनको भरा जाएगा समाजवादी सरकार। एक रंगी को हटाना है, नहीं जातिवाद नहीं मुद्दा, आज भी गरीबी बेरोजगारी महंगाई है। स्वागत है 10 मार्च को अखिलेश का, स्वागत है 10 मार्च को अखिलेश का, स्वागत है 10 मार्च। समाजवादी पार्टी को वोट दें।